हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज की वीडियो बिग आई ओपनर होने वाली है, चाहे आप इन्वेस्टर हो या ना हो। ये वीडियो आपके लाइफ से डायरेक्ट रिलेट करती है क्योंकि आप बैंक से रिलेटेड हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे साइन बताने वाले हैं कि जिनको अगर आपने समझ लिया तो आप किसी बैंक के फ्यूचर को समझ पाएंगे कि वो बैंक फ्यूचर में कहीं यस बैंक, आरबीएल बैंक की तरह खतरे में तो नहीं है। क्योंकि अगर बैंक खतरे में है तो आप चाहे इन्वेस्टर हो चाहे ना हो, आपका पैसा अगर उस बैंक में जमा है तो आपकी पूंजी पर खतरा बन जाएगा। तो इस वीडियो में हम उन रेशियो की मदद से आरबीएल बैंक की सच्चाई को भी जानने की कोशिश करेंगे और आपका पैसा आरबीएल में लगा हो, आप डाउट में हो कि बैंक किस हालत में है, तो आपका सब डाउट किसी और दूसरे बैंक से भी कंपेयर करते हुए आपको सब सीखने समझने को मिलेगा और खुद से आप डिसाइड कर पाएंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और रात के 8:30 का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी न्यूज़ सबसे पहले आपको मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, रुपयों के मामले में आदमी जितना भरोसा बैंक पर करता है उतना अपने सगे संबंधियों पर भी नहीं करता है, सही। और आज की डेट में हर किसी के लिए बैंक भरोसे का दूसरा नाम है। आम आदमी के लिए अपने घर से भी एक सुरक्षित ठिकाना जहां पैसे की कमाई जमा की जा सकती है, लेकिन यह भरोसा तब टूटने लगता है जब एक के बाद एक बैंक कई सवालों के घेरे में आने लगते हैं। अभी लक्ष्मी विलास बैंक से जो बवंडर उठा था, थमा ही नहीं, आरबीएल बैंक पे आ गया और आरबीआई की निगरानी में आ गया। लोग हिल गए, बैंक मैनेजमेंट से लेकर आरबीआई तक डैमेज कंट्रोल में लगी है। कहा गया कि बैंक में सब ठीक, आरबीआई देश के सभी बैंकों का चौकीदार है और थानेदार भी, उस पर भरोसा तो बनता है। लेकिन ये सवाल किसी के भी जहन में तैर सकता है कि क्या उसका बैंक ठीक है या नहीं, उसके लूटने पीटने के हालात तो नहीं। असल में ये जानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ नंबर का खेल है जिसे समझकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सचमुच में कोई बैंक डूबने की कगार पे है। यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे ही फाइनेंशियल इंडिकेटर के बारे में बताएंगे जिनसे साफ संकेत मिलता है कि बैंक की माली हालत कैसी है, यानी आपका पैसा चाहे HDFC में हो, ICICI में हो, इंडस बैंक में हो, कोटक में हो, आप जान सकते हैं। पहला, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कितना पैसा फंसा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब है कि बैंक का पैसा कहां पर कितना फंसा है, क्यों फंसा है और जो फंसा है वो मिलने के हालत में है या नहीं। मान लीजिए जैसे बैंक ने विजय माल्या जैसे किसी को कर्ज दे दिया, अब वो पैसा मिलने के हालत में तो है नहीं, तो आप जानेंगे कि बैंक ने अपना कितना कैसे फंसाया, करेक्ट। ये जानने के लिए पहले एसेट को समझ लीजिए। जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो आपके लिए एसेट होता है क्योंकि उससे आप ब्याज कमाते हैं, लेकिन जब वो जमा उस बैंक के लिए लायबिलिटी बन जाता है क्योंकि उसे ब्याज देना है। लेकिन ठीक इसके उलट, जब बैंक किसी को लोन देता है तो लोन बैंक का एसेट कहलाता है क्योंकि बैंक की कमाई होती है। जब किसी लोन पर लगातार 3 महीने तक किस्त नहीं आती तो लोन बैंक की नज़र में नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA बन जाता है। ये एक ऐसा एसेट जो सिर्फ नाम का है, कमाई नहीं हो रही है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि रुकी हुई किस्तें कभी नहीं आएंगी, हो सकता है किसी की जॉब चली गई हो, बिजनेस ठप हो गया हो, बाद में भुगतान शुरू करें। ऐसे में NPA को 3 कैटेगरी में देखा जाता है। पहला, मान लीजिए रामलाल, श्यामलाल और रंगलाल किसी बैंक से लोन लिए। रामलाल ने करीब 3 महीने से कोई किस्त नहीं चुकाई, श्यामलाल 1.5 साल से चुप्पी मार के बैठा है, रंगलाल ने 3 साल से कोई किस्त नहीं चुकाई, शहर छोड़ के जा चुका है। सरकारी भाषा में रामलाल का लोन सब स्टैंडर्ड एसेट कहलाता है, जो फंसा तो है लेकिन आने की उम्मीद। श्यामलाल का लोन डाउटफुल एसेट कहलाता है क्योंकि लोन डूब भी सकता है, और रंगलाल का लोन जिसके रीपेमेंट का कोई चांस नहीं है, लॉस ऑफ एसेट कहलाता है। रामलाल और श्यामलाल की किस्तें नहीं आने की भरपाई बैंक अपने निजी गुल्लक से निकाल कर करता है ताकि आगे लोन देने के लिए सिस्टम में पूंजी बनी रहे। अलग से इस पैसे डालने को ही बैंक की भाषा में प्रोविजनिंग कहते हैं। अगर बैंक का नेट NPA 3% से ज्यादा है, इसका मतलब बैंक खतरे में। कैसे, आइए इसको भी समझते हैं। मान लीजिए किसी बैंक ने 1 करोड़ का लोन बांटा, 95 लाख की किस्त आ रही है, बाकी 5% में से कुछ 3% से नहीं आ रही, कुछ 2
से 3 साल से। तो ऐसे में हम कह सकते हैं बैंक का ग्रॉस एनपीए 5% है। बैंक का कामकाज लेन देन का चक्र चलता रहे, इसके लिए बैंक अपने आसपास से 3 लाख निकालकर सिस्टम में डाल देता है। इस प्रोविजनिंग के चलते बैंक का जो एनपीए 5% था वो घटकर कितना हुआ, 2%। तो बैंक की भाषा में 5% को ग्रॉस एनपीए और 2% को नेट एनपीए कहते हैं। ये नेट एनपीए ही किसी भी बैंक की एसेट क्वालिटी और फाइनेंशियल हेल्दी जो हालत है उसके मामले को बताता है और उसके लिए मायने रखता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड और आरबीआई के जो मानक हैं उसके अनुसार कहा जाता है कि बैंक का नेट एनपीए 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोविड जैसी एक कहानी अलग है उसमें बढ़ जाए, लेकिन बैंक का नेट एनपीए 3% से ज़्यादा है तो वो घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। तो आप समझ लीजिए किसी बैंक की फाइनेंशियल हालत कभी भी खराब हो सकती है। अब आइए जरा कुछ और सफल और असफल बैंक के नेट एनपीए को देखते हैं ताकि आपको एक क्लियर कट अंदाजा लगा सके। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीएल बैंक की, क्योंकि इस पर काफी सवाल उठे हैं। आज के डेट में इसका नेट एनपीए 2.14% है, यानी लगभग 3% के पास पहुंचने पर। वहीं अगर हम देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी के नेट एनपीए को देखें तो वो मात्र 0.4% है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा पिछले 10 साल में कभी भी वो 0.5% के ऊपर नहीं गया। सबसे कम एनपीए के मामले में देश का दूसरा बैंक इंडस बैंक है जिसका नेट एनपीए 0.84% है। इसके बाद आता है आईसीआईसी बैंक 1.1, फेडरल 1.2, कोटक 1.5%। आपको जानकर हैरानी होगी कम एनपीए के लिहाज से इन टॉप बैंक में कोई भी सरकारी बैंक नहीं है। जी हाँ, देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक एसबीआई का नेट एनपीए 1.52% है। इससे भी ज्यादा हैरानी होगी कि पीएनबी का ग्रॉस एनपीए 14%, नेट एनपीए 5.7। पीएनबी की हालत इतनी खराब क्यों, इसके बारे में शायद आप ऑलरेडी जानते होंगे। नहीं जानते तो ब्रीफ में बता दें, नीरव मोदी का नाम तो सुना ही होगा, उन्होंने ही इस बैंक को अच्छी खासी चपत लगाई। यही वजह है बैंक आज तक अपने एनपीए को दुरुस्त नहीं कर सका। खैर, ये सरकारी बैंक है, देर सुदरेस सब कर लेंगे। 5% एनपीए होने के बावजूद भी इन पर खतरा नहीं माना जा रहा, जबकि आरबीएल पर 2.14 पर खतरा, क्योंकि आरबीएल प्राइवेट बैंक है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या आप किसी प्राइवेट बैंक में सेविंग करंट अकाउंट चलाते हैं तो उसका नेट एनपीए जरूर चेक करें। अगर 3 से ज्यादा नेट एनपीए तो ये आपके लिए जोखिम, उसमें इन्वेस्ट करना भी आपके लिए जोखिम, आपका पैसा रखना भी जोखिम, क्योंकि कुछ भी फाइनेंशियल ट्रस्ट आया तो वहां पर डूबेंगे सिर्फ आपके पैसे। दूसरा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। बैंक की करंट फाइनेंशियल हालत को चेक करने के लिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ये CAR। इस इंडिकेटर से आप समझ जाएंगे कि बैंक के पास कम से कम इतना पैसा है कि उसके सारे रिस्क वाले लोन डिफॉल्ट कर जाएं तो भी वो जमाकर्ता को रकम चुका सकता है। ये इंडिकेटर ये भी दिखाता है कि कोई बैंक डिफॉल्ट की आशंका से कितनी दूर है। किसी बैंक का CAR इस बात से तय होता है कि उसकी कुल पूंजी के मुकाबले रिस्क वाले लोन कितने हैं। इस रेशियो को निकालने का फॉर्मूला है बैंक की कुल पूंजी में रिस्क वाले लोन की रकम से डिवाइड करने पर जो नंबर हमें प्राप्त होंगे उसी को CAR बोला जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर ये रिस्क लोन का मतलब क्या है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं तभी आप CAR निकाल पाएंगे। रिस्की लोन का मतलब, करेक्ट। देखिए, बैंक आपको भी लोन देता है, सरकार को भी, छोटे व्यापारियों को भी, बड़े कॉर्पोरेट को भी, किसानों को भी, स्टूडेंट को भी। इनमें से सभी के लोन चुकाने की संभावना एक जैसी नहीं होती। जोखिम के पैमाने पर आरबीआई ने हर कैटेगरी को एक वेटेज दिया है। मतलब सरकारी लोन के डिफॉल्ट होने के चांस नहीं, उसे 100% वेटेज मिलता है। उसके मुकाबले रियल एस्टेट, माइक्रो इंडस्ट्री को लोन रिस्की माना जाता है, इन्हें 50% तक लोअर वेटेज मिलता है। फॉर्मूले के मुताबिक बैंक की पूंजी को इन्हीं रिस्की वेटेज एसेट से डिवाइड करने पर CAR निकलता है। ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा बैंक के पास उतनी ही रिजर्व पूंजी होगी। मोटे तौर पर समझिए, बैंक ने जिस रेशियो में रिस्की लोन दे रखे हैं उसी अनुपात में उनके पास एक रिजर्व रखना होगा। अगर ये रेशियो 9% से कम है तो मान लीजिए कि बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है उसके आधार पर किसी बैंक का CAR 8% से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत में RBI ने बैंकों को 1% ज़्यादा सेफ्टी के हिसाब से 9% CAR मेंटेन की हिदायत दी है। अब चलिए कुछ बैंक पर ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने कुछ रेशियो निकाले, आपको दिखाता हूँ कि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए। और अगर 9% के नीचे रेशियो जा रहा है तो बैंक की हालत कैसी है। तो सबसे मजबूत बैंक HDFC का CAR 20% है, ICICI बैंक का 19.5, SBI का 13.74 और PNB का 15.20। तो अगर हम RBL की बात करें तो उसका कितना है, 16.50, जो कि 9% मानक है, उससे काफ़ी ऊपर। इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है किसी भी हालत में फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए। आपका जो इसमें इन्वेस्टमेंट है, आपने जो पैसे जमा किए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है थर्ड इंडिकेटर, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, हिंदी में
कहें तो बैंक के पास 30 दिनों का खर्चा पानी कितना है, इसे डिटेल में समझते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, खर्चा पानी बैंक के पास कितना है, करेक्ट ना? तो अब यहाँ पर बैंक के फाइनेंशियल कंडीशन को समझने के लिए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को शॉर्ट में LCR बोला जाता है। देखिए, RBI मानक के तहत किसी भी बैंक के पास इतना हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होना चाहिए कि जब चाहे बेचकर या गिरवी रखकर अगले 30 दिन की देनदारियां पूरी की जा सके। इसके लिए RBI ने 100% LCR मेंटेन करने का गोल बनाया है या नहीं, हर बैंक को 100% का LCR रखना ही रखना है। इस रेशियो को समझने के लिए बैंक के कुल हाई क्वालिटी लिक्विड स्टेट में अगले महीने की देनदारी और खर्चों से भाग दिया जाता है। जो भी नंबर हमें प्राप्त होता है वो LCR होता है। अगर आप कंफ्यूज हैं हाई क्वालिटी लिक्विड क्या है, तो उसे सिंपल भाषा में बता दूं, एसेट जिन्हें तुरंत बेचकर कैश जनरेट किया जा सके, जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, ETF, जो बाजार भाव पर तुरंत बिक जाते हैं। अगर किसी बैंक का LCR 100% है, इसका मतलब अपनी लिक्विड एसेट भुनाएंगे, अगले महीने का खर्च निकाल सकते हैं। 30 दिन को इसलिए आधार बनाया गया है क्योंकि आमतौर पर किसी भी बैंक में नकदी संकट या डिफॉल्ट जैसी समस्या आने पर RBI को फाइनेंशियल इंटरफेयर करने में कम से कम 1 महीने का वक्त लगता है। ऐसे में बैंक के पास पर्याप्त एसेट होने पर टाला जा सकता है। अभी जिस RBL बैंक को लेकर अटकलें शुरू हुई, उसका लिक्विडिटी कवरेज 153% है, यानी जरूरत से 1.5 गुना ज़्यादा। मतलब बैंक के पास इतनी पूंजी है कि वो 1 महीने के खर्च को आराम से चला सकता है। वहीं अगर हम HDFC की बात करें तो उनका LCR 123% से ज़्यादा है, लेकिन RBL की तुलना में कम है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि RBL अभी डूबा नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं चौथे, क्या क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ये फाइनेंशियल इंडिकेटर है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का मतलब है बैंक में जमा कुल रकम के मुकाबले कितना लोन दिया गया है। मसलन अगर किसी बैंक में कुल 100 रुपये जमा है, उसने 70 रुपीज़ लोन पर डाल रखे हैं, उस बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 70% कहलाएगा। और आम तौर पर एक अच्छे बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 80-90% होता है। अगर ये कम है तो मतलब साफ कि बैंक की लोन ग्रोथ खराब है, उसका घाटे में जाना तय है, और 100 से ऊपर होना भी ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है जितना उसके पास जमा नहीं उससे ज़्यादा लोन बांटे जाएंगे, फिर देनदारियाँ कहाँ से आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी ना। तो इस साल जून में देश के सभी बैंकों का औसत क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 71.43% पर आ गया है, जो नोटबंदी के बाद सबसे कम रेशियो था, अभी भी बढ़ा नहीं है। RBL बैंक का रेशियो 74.1 है, जो नेशनल एवरेज से ज़्यादा, यानी हम इंडिकेटर RBL को अगेन सही साबित कर रहा है। तो एक बार फिर आपके पास मौका है RBL पर भरोसा दिखाने का। अब हम आते हैं पांचवें इंडिकेटर पर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, बैंक कैसे कमाई करता है। ये तो आप जानते ही होंगे, वो आपसे पैसे लेता है, एक तय रेट पर ब्याज देता है, फिर उसी पैसे को थोड़े ऊंची रेट पर किसी और को लोन दे देता है। लोन से आए ब्याज में से जमा लौटाए गए पैसे को घटाने के बाद जो रकम बचती है, वही बैंक का मुनाफा है। ये नेट इंटरेस्ट इनकम और परसेंटेज में नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहलाता है। ये इनकम भी बैंक की फाइनेंशियल हालत बताती है। हालांकि बैंक खासकर निजी बैंक की इनकम और प्रॉफिट के दूसरे कई विकल्प का सोर्स कर सकते हैं। दूसरी तिमाही में HDFC का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.1%, स्टेट बैंक का 3.1%, RBL का आंकड़ा 4%, यानी बैंक की ब्याज से कमाई ठीक ठाक हो रही है। इंटरेस्ट मार्जिन जितना ज़्यादा होगा बैंक फायदे में होगा। तो ये इंडिकेटर भी RBL के लिए ठीक है, यानी पॉजिटिव साइन है RBL के लिए, यानी आप रिलैक्स हो सकते हैं। अब इसमें छठा रेशियो है करंट सेविंग रेशियो। जी हाँ, करंट सेविंग रेशियो। आप ऑलरेडी जानते हैं किसी बैंक में जमा करने के 3 रास्ते हैं, करंट सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट। कुल जमा में करंट और सेविंग की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है। तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, जिसे कासा रेशियो कहा जाता है, उसका मतलब क्या है कि बचत खाते के मुकाबले चालू खाते में कितना जमा पैसा है। लेकिन करंट अकाउंट में जमा रकम पर ब्याज मिलती नहीं, जबकि सेविंग अकाउंट पर 3.5% ब्याज देना पड़ता है। तो ऐसे में जितना ज़्यादा पैसा करंट अकाउंट में होगा, बैंक के लिए फ़ायदा ही फायदा होगा। यानी जिस बैंक का करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो से ज़्यादा होगा, उसका मुनाफा, बैंक की भाषा में कहें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कासा रेशियो है करीब 46% है, RBL का करीब 35% है, और दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। और इंडिकेटर अगेन आपको बोलता है RBL के लिए टेंशन नहीं लेने का। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो, तो पहले लाइक का बटन दबा दीजिए। इतनी मेहनत लगी है इस फाइनेंशियल डेटा को निकालने में, आप विश्वास नहीं कर सकते। तो आई होप अब आप अकाउंट खुलाने के सोचेंगे,
तो आप ऐसी चीज़ों को चेक कर सकते हैं और इंटरनेट पे सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि आप परेशान हो रहे होंगे इसको कहाँ से देखें उसको कहाँ से देखें, तो गूगल बाबा आपको सब बता देंगे किस बैंक का क्या है कितना है। तो इधर उधर की फेक न्यूज़ में ना जाएं, उससे परेशानी ना लें, इन चीज़ों को जानें, इन चीज़ों को समझें और इस वीडियो को घर घर पहुँचाएँ, क्योंकि हर लोग पढ़ेंगे हर लोग समझेंगे तो वो परेशान नहीं होंगे, क्योंकि सबका हक बनता है उनका बैंक सेफ है या नहीं है जानना। तो अगर आपको भाई वाली ये आज कोशिश पसंद आई हो तो बस प्यार दीजिए और इस वीडियो को वायरल कर दीजिए। थैंक यू सो मच।